दोस्तों अगर आप भी पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 215 ओवर में मैच जीतने के बाद रो पड़े हार्दिक पांड्या, लेकिन अपने बयान में आज ये खिलाड़ी जो कुछ कहकर गया है ना सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के लिए, उसे सुनकर शायद आपके दिल में इज्जत पांड्या के लिए 100 गुना बढ़ जाएगी और इनको देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। आखिरकार दोस्तों आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद क्या बोल गए पांड्या रोहित शर्मा और सूर्य के लिए अपने बयान में, खास तौर पर उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा में आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों अब लग रहा है कि आईपीएल 2024 शुरू हो चुका है। मुंबई इंडियंस की टीम, जिसे आईपीएल के इतिहास में सबसे खतरनाक टीम माना जाता था, वो अब तक वैसे जीत ही नहीं रही थी, और जीत रही थी तो उसे जीत नहीं कहा जा सकता था। लेकिन आज 15 ओवर के अंदर 197 चेज कर डालना, ये है मुंबई इंडियंस की टीम की असली ताकत। आपको बता दें दोस्तों कि विराट कोहली तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन डुप्लेसिस के 61, रजत पाटीदार के 50 और कार्तिक के 53 रन टीम को 196 तक ले गए थे। और 197 चेज करना कहीं भी, चाहे अपने घर में चाहे विरोधियों के घर में, आसान नहीं होता, लेकिन इसे आसान बनाया आज मुंबई की टीम के हर एक खिलाड़ी ने। वैसे तो बुमराह 5 विकेट लेकर एक सुपरस्टार वाली परफॉर्मेंस दे चुके थे, लेकिन किसे पता था कि आज मुंबई का हर एक खिलाड़ी सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दिए ही मैदान से बाहर जाएगा। ईशान किशन 34 गेंदे, 7 चौके, 5 छक्के, 70 रन के आसपास। रोहित शर्मा 24 गेंदे, 3 छक्के, 3 चौके, 38 रन। सूर्य कुमार यादव सबसे बड़ी परफॉर्मेंस, 19 बोले, 5 चौके, 4 छक्के, 52 रन। खुद हार्दिक पांड्या 6 बोल में 3 छक्के लगाकर 21 रन बनाकर गए, तो वहीं तिलक वर्मा ने 3 चौके जड़कर 16 रन बनाए। 216वें ओवर की तीसरी गेंद पर यह मैच खत्म हुआ। मुंबई ने 7 विकेट के अंतर से जीता और पॉइंट टेबल में भी भूचाल ला दिया है इतनी खतरनाक जीत से। खैर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने मैच जीता है और बड़े ही शानदार ढंग से जीता है, लेकिन जीत के बाद जो हार्दिक पांड्या के बोल थे ना, वो आपको भी सुनने चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि हार्दिक पांड्या ने सूर्य और रोहित शर्मा पर कहा, ये था वो मुकाबला जिसके लिए मैं पहले दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज मैदान में उतरने से पहले मेरा, रोहित भाई और सूर्य का इंटेंट बिल्कुल क्लियर था, बुमराह को फ्री हैंड देना है और खुद ब खुद बल्लेबाजी में जितने भी मौके मिले उन्हें अच्छे से ग्रैब करना है। इस बात में कोई शक नहीं कि बुमराह के 5 विकेट ताबड़तोड़ जरूर रहे और उनसे हमें मदद भी मिली, लेकिन फिर भी आरसीबी ने एक अच्छा खासा टोटल बनाया था। इसीलिए पहली गेंद से हमने ईशान को यही कहा था कि रोहित भाई के साथ मिलकर जितनी तूफानी पारी खेली जाए उतनी पारी खेलना, और फिर तो बाकी टीम संभाल ही लेगी। जिसके बाद ईशान ने बिल्कुल वही किया जो उन्हें कहा गया था। वैसे वो अपने आप में इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं कि फॉर्म में तो उन्हें एक ना एक दिन आना ही था, और वो दिन आज ही आ गया। उससे रोहित शर्मा को भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिला और रोहित भाई ने भी एक मैच विनिंग नॉक खेला। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आज मुझे आया सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को देखने में। मतलब आज सूर्य भाऊ ने वो इनिंग खेली जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी और पूरी टीम को भी। आज से उन्हें सलाम ठोकने का मन कर रहा है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम इतने अच्छे एवरेज के साथ जीते हैं मैच को। ये है वो मुंबई इंडियंस की टीम और ये है वो रोहित और सूर्य भाई, जिनसे कि मैं इस टीम को जिताना चाहता हूँ इस बार का कप। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के लिए मैं इस बार का कप जीतूं, क्योंकि ये दोनों एक और कप डिजर्व करते हैं और हम सब साथ में मुंबई को जिताएंगे। दोस्तों पांड्या को बहुत बू किया गया था, लेकिन पहले से न सिर्फ उनकी बल्लेबाजी बेहतर हो गई है बल्कि उनके शब्दों ने भी सबका दिल जीत लिया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या आप हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करेंगे? आप उनकी कप्तानी और सूर्य की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।